फ्रेंड्स, सुखसमृद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। पितृ पक्ष में श्राद्ध की तिथियां कौन कौन सी हैं? वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, अपने पूर्वज पितरों के प्रति श्रद्धा भावना रखते हुए कृष्ण पक्ष में पितृ तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करना नितांत आवश्यक है। इससे स्वास्थ्य, समृद्धि, आयु, सुख, शांति तथा वंश वृद्धि एवं उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा पूर्वक किए जाने के कारण ही इसका नाम श्राद्ध है। पूर्णिमा का श्राद्ध है 10 सितंबर शनिवार को। प्रतिपदा का श्राद्ध 10 सितंबर शनिवार। द्वितीया का श्राद्ध 11 सितंबर रविवार। तृतीया का श्राद्ध 12 सितंबर सोमवार। चतुर्थी का श्राद्ध 13 सितंबर मंगलवार को। पंचमी का श्राद्ध 14 सितंबर बुधवार को। षष्ठमी का श्राद्ध 15 सितंबर गुरुवार को। सप्तमी का श्राद्ध 16 सितंबर शुक्रवार को। अष्टमी का श्राद्ध 18 सितंबर रविवार को। नौवीं का श्राद्ध 19 सितंबर सोमवार को। दसवीं का श्राद्ध 20 सितंबर मंगलवार को। एकादशी का श्राद्ध 21 सितंबर बुधवार को। द्वादशी का श्राद्ध 22 सितंबर गुरुवार को। त्रयोदशी का श्राद्ध 23 सितंबर शुक्रवार को। माघ श्राद्ध 23 सितंबर शुक्रवार। चतुर्दशी का श्राद्ध, अपमृत्यु वालों का श्राद्ध 24 सितंबर शनिवार को। अमावस्या, सर्व पितर अज्ञात मृत्यु तिथि वालों का श्राद्ध 25 सितंबर रविवार को। 12 सितंबर को किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा। चतुर्दशी तिथि को केवल शस्त्र, विष, दुर्घटना आदि अपमृत्यु से मृतकों का श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु चाहे किसी अन्य तिथि में हुई हो। चतुर्दशी तिथि में सामान्य मृत्यु वालों का श्राद्ध अमावस्या तिथि में करने का शास्त्रीय विधान है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है पितृ पक्ष में श्राद्ध की तिथियां। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।